नासदासिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहां किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहां था। औरंगजेब के राज्य के आखिरी दिनों में मुगल सल्तनत के अलग अलग हिस्सों में जन आंदोलन शुरू होने लगे। सरहद के पठान कबीलों, मथुरा के जाट किसानों, गरीब सतनामियों और औरंगजेब की सख्ती के कारण सिखों ने बगावत की। ये सारी बगावतें एक फजीहत तो थीं, मगर मुगल सल्तनत को असली खतरा मराठों की बढ़ती शक्ति से था। शाहजहां के जमाने में ही शाहजी भोंसले नाम के मराठा सरदार ने सिर उठाया था, लेकिन मराठों का गौरव और मुगल सल्तनत की आफत अगर कोई बना तो वो था उसका बेटा शिवाजी, जो 1630 में पैदा हुआ था। शिवाजी 19 बरस का ही था जब उसने पश्चिमी घाटियों में रहने वालों का एक ऐसा जबरदस्त गिरोह तैयार किया जो उस पर मर मिटने को तैयार थे। अरे बजाओ रे बजाओ। राम राम। राम राम। पोते का ब्याह है आज, यहीं से अक्षत के दाने बिखरा दिए बच्चे के मस्तक पर। यहीं से क्या विवाह मंडप जाना दूभर हो गया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें इस किले का किलेदार मुकरर किया था। हाँ। बगैर महाराज की इजाजत से हम किला छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन मराठी रियासत तो अंग्रेजी सन 1818 में खालसा कर ली गई थी संपतराव। अब तो चल रहा है 1883, 65 साल बीत चुके हैं। शायद आप तक यह खबर पहुंची नहीं है। हम किसकी इजाजत से किला छोड़कर जाते? हमसे पहले हमारे पिता किलेदार थे। जिस दिन से किलेदार बने उस दिन से कभी किला छोड़कर नहीं गए। यहीं पर वो स्वर्गवासी हुए और यहीं पर हमने उनके आखिरी संस्कार किए। तब से हम यहां हैं। अब हमारा बेटा हमें चिता पर चढ़ाएगा और किलेदार की हैसियत से यहां खड़ा रहेगा।
क्या कह रहे थे श्रीधर पंत? हाँ सही है तुम्हारा कहना, मराठी रियासत खत्म हो चुकी है। शिवाजी महाराज के गुजरे 200 साल बीत चुके, मगर आज भी महाराज यहां और यहां विराज रहे हैं। सही बात है, महाराज के गुजर जाने के कोई 80-90 साल बाद एक कवि हुआ था श्रीवल्लभ, वो भी महाराज को भूला नहीं पाया था। उसने कहा है, बचाई दखन देश की लाज, लिया जब हाथ राज का ताज। बचाई दखन देश की लाज, लिया जब हाथ राज का ताज। रचा फिर गढ़ी दुर्ग का जाल, प्रजा थी खुश किस्मत खुशहाल। सलील पर से तू बनाया जी, हो जी 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 जी, जी, जी। सलील पर से तू बनाया जी, हो जी 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 जी, जी, जी। जलद पर रख जहाज का भार, मही को देकर प्रेमाधार। जोड़कर 12 मावल एक, दबाए समरथ शत्रु अनेक। ऐसा नरनाथ शिवाजी जी, हो जी 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 जी। ऐसा नरनाथ शिवाजी जी, हो जी 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 हो। मगर ज्योतिबा फुले ने कुछ और कहा है। किसानों का राजा पहला, अलंकारों से जीना बहला। छली के लिए महा छलिया, भलों की पड़ता था पैया। ओ, बचाता प्राण जुगत से वो, डरे ना कभी विपद से वो। युद्ध के लिए सदा तैयार, प्रजा का पाया प्यार अपार। आ रैयत का सुख उसका सुख था, बनाता नया कायदा था। तबीयत का सीधा सादा, भलाई पर नित आमादा। ओ मधुरतम थी उसकी बानी, बहे जो झरने का पानी। शिवाजी राजा कुलभूषण, जरा भी मिले नहीं दूषण। शिवाजी राजा कुलभूषण, जरा भी मिले नहीं दूषण। क्या कहे ज्योतिबा फुले शब्द ना मिले जी 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 जी। क्या कहे ज्योतिबा फुले शब्द ना मिले जी 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 जी। आप शिवाजी को किसानों का राजा कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि वो हम किसानों कुनबियों का नेता था। लेकिन तुम्हारे समझ में ये बात नहीं आएगी श्रीधर पंत, लगता है आज महाराज की पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी। और पोते के ब्याह के दिन महाराज की कहानी सुनाने का सौभाग्य मुझे मिला है। 17वीं सदी के शुरुआत में ये जो पूरा इलाका तुम देख रहे हो और उससे भी परे 12 मावल का प्रदेश है, एकदम बंजर था। मौत का उसे श्राप मिला हुआ था, धरती जैसे बांझ हो चुकी थी। धरती है स्वर्ण भंडार, पड़ी भंगार, आंख के पार में कुछ दिखता। भूख के आगे मान सस्ता, अंधेरा जड़ता का दस्ता। दलित्र था सबको दलता, मौत का नंगा नाच चलता। तब जिए तो कैसे जिए समझना पड़ता जी 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 जी। तब जिए तो कैसे जिए समझना पड़ता जी। ऐसे मावल प्रदेश में शाहजी राजे भोसले ने राजा शिवाजी को उनकी माता जीजाबाई और अपने विश्वासपात्र सेवक दादूजी कोंडदेव के साथ पुणे भेज दिया। राजे क्या थक गए? नहीं दो। शिवाजी राजे शाहजी महाराज की औलाद है रानी साहिबा, इतनी जल्दी क्या थकने वाले हैं? इनके आबा साहेब घोड़े पर बैठ
आंधी की तरह दौड़ते थे, दुश्मन चकरा कर रह जाते। कितनी बार आबा साहेब की कहानियां आपसे सुनेंगे पंत। कहानियां भर बन कर रह गई हैं राजे। माहौली की शिकस्त के बाद शाहजी महाराज बिल्कुल बदल गए। हम उनकी उदासी की वजह जानते हैं। मुगलों से हार मानकर उन्हें निजाम शाही के वारिस अबोध बालक मुर्तजा को मुगलों को सौंपना पड़ा। निजाम शाही को तहस नहस होते देखा, पर इसका यह तो मतलब नहीं कि सब कुछ भूलकर रंगरलियों में दिन रात गुजारे। और क्या करते बेचारे, इतनी कड़ी शर्तें जो माननी पड़ी। उन शर्तों का तो भार ढो रहे हैं आज तक। निजाम शाही की चाकरी छोड़कर उन्हें आदिल शाह की खिदमत करनी पड़ी। उनके अधिकार में एक भी किला न रहा, अपनी जागीर में रहना मना, मुगलों के इलाके के करीब रहने पर पाबंदी, जाकर बंगलूर में बसना पड़ा। आदिल शाह के लिए पूरा कर्नाटक जीत लिया, वो भी एक अफसाना बनकर रह गया। मां साहिबा, यहां तो एक खेत भी दिखाई नहीं देता, क्यों? ये इलाका ही बदकिस्मत है राजे। पहले तो महाराज साहब को लड़ाइयों से इतनी फुर्सत नहीं मिली कि अपने जागीर की देखभाल करें। ये देखकर देशपांड और देशमुखों ने मनमानी शुरू कर दी। ऊपर से मुगलों ने लूट मचाई, किसान लुटपिट कर भाग गए, उपजाऊ धरती जंगल बन गया। अब यहां बाघ और भेड़ियों का राज है। ये सब नहीं चलेगा दादोजी पंत। इसीलिए महाराज ने मुझे आपके साथ भेजा है। मैं अब उनका मतालिक नहीं, आदिलशाही का सूबेदार भी हूं। लेकिन किसानों को कैसे वापस बुलाएंगे पंत? अगर उन्हें सुरक्षा मिलेगी तो वो जरूर अपने आप वापस आ जाएंगे। चलो। क्या बात है, कौन है ये लोग? हम तुम्हारी प्रजा हैं बालराजे, हौसलों के रैयत। बरसों बाद मालिक का प्रवेश हो रहा है, सो मुजरा करने आए हैं। राजे, महाराज साहेब तो यहाँ आए ही नहीं, हम तो अनाथ हो गए। जागीर में कोई कायदा कानून है ही नहीं, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस। महाराज साहेब ने जागीर शिवाजी राजे को सौंप दी है, अब वो खुद तुम्हारी देखभाल करेंगे। मैं उनका मतालिक हूँ, आप लोगों को शिकायत का मौका ना मिलेगा। हमें रानी सरकार के दर्शन की इजाजत मिले? राजे, रानी साहिबा से पूछिए, दर्शन देंगी। भाई साहिबा किसान दर्शन चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो, कहो बिना डरे कहो। रानी सरकार, हम आपकी वफादार प्रजा हैं, हमने कर देने से कभी इनकार नहीं किया। जितना देना चाहिए दिया, हमारी रक्षा करो रानी सरकार। किसका डर है तुम्हें? जिसका जी चाहे गांव में घुसता है, तलवार दिखाता है, जिस चीज पर मन आता है उसको उठा के चलता बनता है। न घर का आसरा है न खेत खलिहान का। और ऐसा भी नहीं कि बरस में एक बार आता है या दो बार, बस मन कहा घुस जाता है। कभी एक आता है कभी दूसरा आता है, शिकायत किसके पास करे। औरतों का जीना मुश्किल है, कब आबरू लूट जाए कोई भरोसा नहीं। गांव के बाद गांव बेचिराग होता जा रहा है, लोग जान के डर से भाग रहे हैं। कौन है ये लोग जो ऐसा जुल्म ढा रहे हैं? बोलो, डरो नहीं। एक हो तो बताएं सरकार, जो भी घुड़सवारी जानता है गांव में घुसता है। अब समझ लो कि हम बताते हैं बालराजे, आपके देशमुख और देशपांडे जो है वो अपने आप को मालिक मानते हैं। तुम्हें न्याय मिलेगा, जागीर के काम में कोई बदइंतजामी नहीं होगी, तुम निश्चिंत रहो।
लगता है यहां भी मुगल फौजों ने काफी लूट मचाई है। कितने लोग मारे गए? उनके आने तक यहां रुकता कौन कि मुगल उन्हें मारते। सो मकान लूट लाट के जानवर हांक ले गए सिपाही। तो तुम कहां जाके छिपे? इन पहाड़ियों में। जितना बन जाए सर पर रख के भागते, बाकी तोड़ फोड़ देते, जला देते। लेकिन पहाड़ियों पर भी सिपाही पकड़ सकते हैं तुम्हें? पहाड़ियां चढ़ जाए तो हमें कोई नहीं पकड़ सकता, न मुगल न आदिल शाही। राजे, इन पहाड़ियों को तुम नहीं जानते। आदमी का चढ़ना तो मुश्किल, घुड़सवार क्या चढ़ेंगे? हाँ, और हमें सब पगडंडियां मालूम है। गुफाएं भी है वहां पर और पीने को पानी भी है। इन पहाड़ियों की छानबीन करनी होगी। चलो हमें अपनी पहाड़ियां दिखाओ। हाँ हाँ चलिए। हाँ चलिए चलो। भेड़ियों का सफाया तो हो चुका है दादाजी, अब तो किसानों को भी लौटाना चाहिए। राजे, भेड़ियों से ज्यादा उन्हें डर है आपके देशमुखों से। आज किसे पकड़ के लाए आप? अभी बताता हूं दादाजी, ये फैसला भी आप ही कर लीजिए। नहीं, जागीर महाराज साहब ने तुम्हें सौंपी है, इसलिए फैसले तुम्हें लेने होंगे। ले आओ। शिवाजी राजे के सामने झुककर मुजरा करो। क्यों करूं? ये मेरे स्वामी है क्या? इनका दर्जा मुझसे बड़ा है क्या? ये भी मेरी तरह वतनदार है। कौन है ये? भोर का देशमुख कृष्णा जी नायक बांडल। भोर में अपनी मनमानी चलाता है, मालगुजारी के एक पाई नहीं देता। ऊपर से अपने नाम के ऊंचे कर किसानों पर थोप दिए हैं। आप इन्हें ये सब पहले बता चुके हैं दादोजी? कई बार, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। ठीक है, हम इन्हें एक और बार मौका देते हैं। तुम कौन होते हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? शाहजी भोसले होंगे बहुत बड़े सरदार निजाम शाही और आदिल शाही में, पर यहां हम उन्हें कुछ नहीं मानते। वो एक मामूली पाटिल हैं, जिनके पूर्वजों ने 10 गांव की पाटिल की मोल ली थी, और मैं यहां का देशमुख। यहां हमारा राज है, माल गुजारी अदा करो और कायदे कानून का पालन करो तो माफ कर दिए जाओगे। इसके इलाके की रैयत ने कुछ दिन पहले इसके जुल्म की शिकायत की थी। मैंने उसे संदेशा भेजा तो जवाब में उसने हमारे घोड़ों को लंगड़ा कर दिया, उनकी पूंछे काट डाली। इसे बुलाकर मैंने बहुत समझाया, लेकिन ये कुछ मानने को तैयार नहीं। अब आप उसे उचित दंड दें। ठीक है, ले जाओ इसे, और दिन ढलने से पहले इसके हाथ पांव काट डालो। तुम्हें इस अपराध की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सब एक कांड है। तुम हमारी जमीन हमारे वतन को खुद हड़प लेना चाहते हो। ये मैंने गलत किया था तुझे, वापस बुला लूं? नहीं, बिल्कुल उचित दंड दिया है। ऐसे ढीठ सरदारों को मिसाल बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन इस तरह क्या वतनदार सुधर जाएंगे? अगर लगान मुकर्ररी सुधारेंगे तो देशमुख भी सुधर जाएंगे। तो लगान के बारे में क्या सोचा आपने? पहले साल 1 पाई फीबी का, दूसरे साल 1 पैसा, तीसरे साल आधा आना, चौथे साल 1 आना, पांचवें साल 4 आना, और छठे साल 8 आना फीबी का। सातवें साल लगान होगा 1 रुपया, और आठवें साल से लगान वसूली का वही तरीका होगा जो दक्कन के लिए मलिक अंबर ने अपनाया था। यानी लगान धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा ताकि किसान पर गैर वाजिब बोझ न पड़े। बिल्कुल सही राजे, अगर तुम्हारे किसान खुश हैं तो जागीर सुरक्षित है, समझ लो। राजे, आज ये क्या शक्ल है कि इस बूढ़ी देखो इतने ऊंचे पर ले आए हो? रोहिणेश्वर मंदिर से उगते सूरज के दर्शन कराने पंथ, और क्या? इतने साथियों समेत राजे, आपका मंसूबा क्या है? पंत, हम आपको साक्षी मानकर ईश्वर के सामने अपने राज्य के निर्माण का संकल्प करेंगे। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। शिवा, हमने देखी है तुम्हारे पिता की देख की चमक, निजाम शाही में उनकी बादशाही दमक, जो एक दिन सब मिट गई और अब रह गई उनकी आंखों की बुझी बुझी चमक।
अगर तू उनके दुर्भाग्य का भागीदार बन गया राजे, तो बगावत कर रहा है, जरा सोच। मैंने सोच लिया है, आप बस अनुमति दीजिए, कामना करें कि मैं अपना लक्ष्य पूरा कर सकूं। तथास्तु। गरुड़ के पंख काटने वाले हम कौन? तथास्तु। स्वराज कायम करने की शपथ तो ली, हम भूले तो नहीं है राजे, हमारे दिल और दिमाग पर लिख गई है वो। स्वराज धरती पर साकार होना चाहिए ये साजी, हमारे आपके दिल और दिमाग में रहने से क्या होता है। तो चलो धरती पर हक जमाते, इसमें क्या है? स्वराज क्या खाने के लड्डू हैं? राजे ने कहा ना कि हमें धरती चाहिए, क्यों राजे? हाँ बाजी, हमारे पास जागीर तो है मगर उस पर हक आदिल शाह का है, ये स्वराज नहीं है। मैंने कहा था ना, आप बोलो। बाजी धरती के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है और लड़ाई के लिए फौज चाहिए, फौज हमारे पास कहाँ है? राजे मावल के इलाके के सारे गांव आपको चाहते हैं, क्या उन सबकी फौज तैयार नहीं कर सकते? ये किसान क्या लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो हाथ में तलवार उठाएंगे, जब नहीं तो हल चलाएंगे। वाह राजे, ये हुई ना कोई बात, किसान फौजी बनेगा। फिर तो किसान को तीर और तलवार चलाने की तालीम देनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही बात, और आप जो इसमें इतने माहिर हैं ये भी करेंगे। मगर करेंगे कहाँ? पहाड़ों पर, जंगलों में, जहाँ लड़ेंगे वहीं करेंगे। नहीं नहीं बाजी, हमें इस काम के लिए अपनी एक सुरक्षित जगह चाहिए, जैसे हमारा अपना किला। किला? बात तो ठीक है, मगर कौन सा किला? बन पड़े तो तोरणा किला। तोरणा? तोरणा का किला? मगर राजे हमारे पास इतने सिपाही कहाँ है? हम अचानक हमला बोलेंगे उल्टी तरफ से, उस तरफ कोई सिपाही भी नहीं होते। ये हुई ना कोई बात, स्वराज का पहला किला। जय भवानी, जय भवानी। ऐसे ही विजय पाओ। आयुष्मान भव, ये सब माता भवानी की कृपा और आपके आशीर्वाद का फल है। इतने विनम्र मत बनो, अपने साहस और सूझबूझ से तुमने हमारे सपने को साकार कर दिया, दादोजी पंत की कड़ी तालीम को सार्थक कर दिखाया। लेकिन पंत हमारी फतह से खुश नहीं है, जब से हमने तोरणा जीतने की खबर दी है वो ना हंसे हैं ना मुस्कुराए हैं। आप जो खतरा मोल ले रहे हैं उसे सोचकर हमारी खुशी पर डर के बादल छा जाते हैं। अभी तक हमने देशमुखों को सीधा किया, उसके बाद दूसरे हाकिमों पर सख्ती बरती, मुतालिक होने के कारण यह हमारा फर्ज भी था, मगर जागीर की चौहदी के भीतर
अगर कभी चौहदी लांगनी भी पड़ी तो हमने आदिल शाही की बहबूदी का बहाना बनाया। महाराज साहब ने मुझे सूबेदार मुकर्रर करा, इसलिए एक हद तक मैं ये बंदोबस्त कर सका, मगर गढ़ और सेना सूबेदार का अधिकार नहीं है, वो शिरवल के अमीन का अधिकार है। वो सीधे बीजापुर के दरबार जा बैठेगा, वो चुप नहीं रहेगा। आप बीजापुर के सुल्तान को बहुत बढ़ा चढ़ाकर देख रहे हैं, वो वहां, हम यहां, बीच में कोसों का फासला, किसको पता चलता है कहां क्या हो रहा है। जब बलवाई सल्तनत किले को छीन लेते हैं राजे, तो उसका कोई सिरा दूर नहीं रह जाता। आप यूं क्यों नहीं सोचते कि उस इलाके के किलों पर बरसों से किसी ने ध्यान नहीं दिया है। हम सुल्तान को लिख देंगे कि उसकी बेशकीमती मिल्कियत को हम झाड़ पहुंच कर साफ कर रहे हैं। उसको रिहायश के और पहरेदारी के काबिल बनाकर हम सुल्तान की सेवा कर रहे हैं। यह दलील कुछ दिनों तक चल सकती है, मगर कब तक इस मामले को दबा के रखेंगे? और फिर हो सकता है महाराज साहब पर इस मामले की आंच आए। हम जाके महाराज को सावधान करेंगे। महाराज साहब अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं, वो इतना तो कह ही सकते हैं कि मैंने अपने बीवी और बच्चे को त्याग दिया है। पर धावा बोलने की किससे इजाजत ली थी? क्या तुम नहीं जानते कि बंगलुरु में चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हूं? अफजल खान तो बस मौके की तलाश में है। जानबूझकर ऐसा नहीं किया आबा साहब। देखो, जहां तक हो सके संघर्ष से हमेशा बचना चाहिए। शायद हम इस बात को समझ नहीं सके, या समझ भी सके तो भी उस पर अमल नहीं कर पाए। हमने सोचा था आप तो खुश होंगे कि माहौली की हार के बाद किसी किले पर पहली बार भोंसले वंश का कब्जा हुआ है। क्या हम स्थिति में हैं कि बगावत करें? हाँ, आप तो चाहते हैं कि हम हमेशा निजाम शाही और आदिल शाही या मुगलों के अधीन रहें। तुम्हारी मां साहिबा भी इसी तरह की बातें करती हैं। वो जिद्दी हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं, और हमारे संबंध में काफी कुछ अनुदार भी। क्यों है ये हम नहीं जानते, या शायद जानते भी हो तो समझ नहीं पाते। एक जमाना गुजर गया राजे, जब जाधव और भोसले वंशों के बीच, दोनों कुलों के बीच बिला वजह एक भिड़ंत हो गई थी। तलवारें चली, खून बहा, तुम्हारे मां साहिबा के एक भाई जाते रहे, हमारे भी एक भाई मारे गए। तब से, शायद तभी से हमारे बीच एक गांठ सी पड़ गई है। क्या इसीलिए आपने हमें त्याग दिया आबा साहब? हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं था। तुम नहीं जानते राजे के हम पर क्या क्या गुजरी है। हमने सुना है। क्या सुना है तुमने? यही ना कि माहौली की लड़ाई में हमने हथियार डाल दिए थे? यही सुना है ना कि हम पराजित हुए थे? कि नन्हे निजाम शाह को, जिनके सुरक्षा की हमने शपथ ली थी, हमने मुगलों को सौंप दिया था? कभी यह सुना है कि किस हालत में और किन प्रतिरोधों के बावजूद हम लड़े? या यह सुना है कि मुगलों ने हमारे परिवार को दो बार बंदी बनाया और परिवार को छुड़ाने के लिए हमने कई मुगल चौकियों पर धावे बोले थे? कि हमारे परिवार को शरण देने के लिए कोई राजी नहीं था? कि हमारे नजदीकी रिश्तेदार भी हमसे आंख चुराते थे? सुना है तुमने कभी ये? गुस्ताखी माफ़ अब्बा साहब, हमने आपकी शान के... अरे हमारी शान में क्या फर्क पड़ेगा, तुम कुछ भी कहो तो। भाग्य ने वो काम पहले ही कर दिया है, नियति ने हमें खूब रौंदा है राजा। कीजिए अब्बा साहब, भाग्य और नियति को दोष देना दुर्बलों की नीति है। तुम्हारी रगों में जवां खून दौड़ रहा है राजे। आंगन से निकलकर मैदान में उतरने के लिए तुम छटपटा रहे हो। पराजय का काला मुंह तुमने कभी नहीं देखा।
जरा हमारी ओर देखो। दक्खन के जोरावर योद्धा, एक राजा के गद्दी के स्वामी, चाहे जिसे बिठाएं चाहे जिसे उठाएं, लेकिन आज हम क्या हैं? वो इसलिए कि आप दूसरे को गद्दी पर बिठा कर ही संतुष्ट हो गए, गद्दी छीन कर कभी उस पर बैठना नहीं चाहा। अरे चाहने से क्या होता है, हालात भी तो वैसे होने चाहिए। हालात इंसान मोड़ भी तो सकता है। सही है, तभी तुम ख्वाब देखने की हिमाकत कर रहे हो, और ख्वाब भी सही समय पर देख रहे हो। आपा साहब, ऐसा ख्वाब आपने क्यों नहीं देखा? शायद हालात ने हमारे ख्वाब को बदरंग कर दिया था राजे, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि विजय नशा बनकर तुम पर न छा जाए और पराजय अंधेरा बनकर तुम्हारी दृष्टि न छीन ले। अब इन चरणों के दर्शन कब होंगे? जब नियति चाहेगी। राजे, आज खुद दफ्तर देख रहे हैं, अच्छा लगता है। आइए दादू जी, पंत आइए, विराजिए। ये मोरोपंत हमसे कह रहे हैं, कहिए ना मोरोपंत, आप पेशवा हैं। मैं कह रहा था कि पंत ने लगान का जो बंदोबस्त किया है, उसमें कुछ मुश्किलें पेश हो रही हैं। जैसे? एक तो यह है, बंदोबस्त 7 साल के बाद फल देगा। तब तक हमें जो हासिल होगा वो नहीं के बराबर है। तब स्वराज्य का खर्चा कैसे चले जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है? राजे, मोरोपंत उचित कहते हैं, आमदनी का जरिया पक्का होना ही चाहिए। लगान का बंदोबस्त हमें दोबारा देखना चाहिए। नहीं दादूजी पंत, हमारे कहने से कि स्वराज आ गया है कुछ नहीं होता, स्वराज आंखों से दिखना चाहिए। हम लगान नहीं बढ़ाएंगे। मगर राजे, राज्य की रोजमर्रा की जरूरतों को हम पूरा कैसे करेंगे, जबकि आज का काम इतना अधिक नहीं है। हम शत्रु के राज्यों पर धावा बोलकर धन जमा करेंगे, हम आम आदमी को नहीं छुएंगे, लेकिन व्यापारियों, महाजनों और हाकिम हुक्काम से निश्चित रकम लेंगे। यह भी एक बंदोबस्त होगा। आप हंस रहे हैं? हम बहुत प्रसन्न हैं राजे, अब तुम दूर की देखना सीख गए हो, अब हम संतोष से मृत्यु को गले लगा सकते हैं। अरे दादोजी बंदिया, आप क्या कह रहे हैं, हम आपको जाने नहीं देंगे। अभी तो बहुत से काम बाकी हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां उठानी हैं आपको, आप ऐसे बीच में दाव छोड़कर कैसे जा सकते हैं? प्रकृति का नियम है शिवबा, हम कब तक तुम्हारा साथ दे सकेंगे? माँ जगदम्बा को शायद यही मंजूर है कि हम तुम्हें सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखें, तुम्हारे शिखर पहुंचने से पहले शायद हमारी आंखों की जोत बुझ जाए। तुम आश्चर्य कर रहे होगे श्रीधर पंत कि हम भी कैसे जिद्दी है, और सोचते होगे कि अकल काम नहीं देती इसलिए अकेले ही इस गढ़ पर उम्र बिता रहा है। मगर श्रीधर पंत, हमें ख्याल ही नहीं आता कि इस गढ़ से नीचे उतरे। आखिर गढ़ ही तो मराठी राज्य का गौरव है। सही बात है, महाराज के आज्ञा पत्र में साफ साफ लिखा है कि खेत की देखभाल के लिए जैसे मचान, राज्य के लिए वैसे ही गढ़ और किले। महाराज ने सर्वप्रथम तोरणागढ़ जीत लिया और बाद में पुणे के पूर्वोत्तर स्थित राजगढ़ को फतेह किया और इस तरह दक्षिण और पश्चिम में अपना शासन मजबूत किया। दादोजी कोंडदेव सन 1647 ईस्वी में स्वर्गवासी हुए, आदिल शाह जैसे इसी की बात जो रहा था। इधर दादोजी ने आंखें मीची और उधर आदिल शाह ने शाहजी महाराज को बंदी बनाया। बहुत पुरानी बात है, सन 1647 की, और आज चल रहा है सन 1883, 2.5 सदी पुरानी। पुरानी? कैसी पुरानी? हमें तो लगता है कहानी कल की है, ज्यादा से ज्यादा परसों की। दादाजी स्वर्ग को सिधारे, राजा दुखिया रे, टूटे जैसे सपने सारे, मगर हिम्मत तनिक ना हारे। आग वो ऐसी कुछ नारी, आग वो ऐसी कुछ नारी। जी, 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 जी।
जाने संग साथी प्रजा भी साथ चली आती। नहीं वो भूली थी उपकार, राजा ने जीवन दिया समान। लहर जो मन में उठी अपार, छोड़ के हल उठाई तलवार। बनाया किसान का फौजी, जी 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 जी, जी। बनाया किसान का फौजी, जी 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 जी। आग वो थी ही कुछ न्यारी, जी 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 जी। आग वो थी ही कुछ न्यारी, जी 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 जी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आई साहिबा। बुरहानपुर के मुगल सूबेदार के मार्फत बादशाह शाहजहां को संदेशा भी भेजा कि वो महाराज साहब को मुक्त कराएं। हम उनकी सेवा करने को तैयार हैं। एक चाकर को छुड़ाने के लिए आपने दूसरे का चाकर होना मंजूर कर लिया। कोई जवाब आया? आया आई साहिबा, बहुत साफ और सीधा जवाब। बादशाह ने लिखा कि वो इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते। तो अब आबा साहेब को जिंजी के कैद खाने से बीजापुर तक हथकड़ी पहनाकर ले गए वो, जिन्होंने कन्नड़ इलाके में उनकी सत्ता मजबूत की थी। उनका ऋण खूब चुकाया आदिल शाह ने। राजनीति सत्ता के पांव चूमती है और चाकरी बजाने वालों को लात मारती है, ये आपके आबा साहेब अच्छी तरह जानते हैं, मगर समझने से इनकार करते हैं। क्या कहें हम? आपने क्यों नहीं समझाया? यही तो समझाना चाहा था तो उसका यह फल मिला कि 7 सालों से उन्हें न कभी आपको याद किया न हमें। ये माने बैठे हैं कि जिजाऊ को क्या चाहिए, 2 वक्त भरी थाली और बेश कीमती साड़ी। तो काबाई कहां है आजकल? हमारा सवाल भूल जाओ शुभा, तो काबाई भी तुम्हारी मां है। कहां है आपको पता ही होगा। भावना के आवेग में जाने मुंह से क्या निकल गया। अबा साहेब ने आपको त्याग दिया, आपने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन क्या हम नहीं जानते कि उनका दूसरा विवाह आपके हृदय में शूल की तरह चुभता रहा। आप नहीं चाहती तो हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारी दूसरी मां बंगलोर में है, सुरक्षित है। और आपके भाई संभाजी दादा राजे भी सुरक्षित हैं। अब क्या इरादा है? चढ़ाई का। आदिल शाह सिर्फ चढ़ाई की जबान समझता है तो अब यही सही। और अगर शाहजहां ने भी हमारे खातिर कुछ नहीं किया तो उसकी भी यही वजह होगी। उसने सोचा होगा मुझे क्या मिलने वाला है दक्कन के अंधेर खाते में शिवाजी की मदद करके। इसका मतलब यह कि शाहजहां की निगाहों में आदिल शाह की तुलना में हमारी ताकत कुछ नहीं है। तो अब वो भी देख ले, अब हम चढ़ाई करेंगे। शिवाजी भोसले का झंडा 12 मावल के इलाके पर फहरा के रहेगा। पहली चढ़ाई पुरंदर पर। पुरंदर, पुरंदर, एक को सूचे पुरंदर किले के लिए लड़ाई करोगे? राजे होश में होना। आई साहिबा, हमने कहा चढ़ाई करेंगे, लड़ाई नहीं। जहां लड़ाई संभव नहीं वहां चढ़ाई कर काम बनाएंगे, ठीक है ना? अहमदनगर के निजाम शाह ने एक मराठी ब्राह्मण को वहां का किलेदार नियुक्त किया था, नीलोजी नीलकंठ। नीलोजी और उसके छोटे भाई शंकर राजी के बीच कुछ अनबन है, ऐसी खबर हमें मिली है। सोचते हैं कि उनके आपसी झगड़े का लाभ हम उठाएं। हमने नीलोजी को संदेशा भी भेजा है। शंकर जी, शिवाजी क्या लिखता है? उसके बाप को आदिल शाह ने बंदी बना लिया है नीलोजी दादा, इसलिए शिवाजी हमारे यहां पनाह चाहता है। और लिखता है नीलोजी नीलकंठ निराश नहीं करेंगे। अच्छा हुआ शाह जी यूं भी आज आदिल शाह तो कल निजाम शाह के पैर छूकर अवसरवाद की राजनीति खेल रहा था। उसे अच्छी सजा मिली है। शिवाजी को लिखो कि वो हमसे आकर मिले। हाँ, तुम जाती तौर पर गढ़ के नीचे उससे जाकर मिलो और कहो हमने उसे अभय दिया।
शंकरा जी आप? हमें उम्मीद न थी कि आप हमारा स्वागत करने के लिए गढ़ से उतरने का कष्ट करेंगे। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आदिल शाह ने शाहजी राजे की जो दुर्गत की उसके बारे में सुनकर मुझे और निलोजी दादा को बहुत बुरा लगा। दरअसल बीजापुर की सल्तनत भरोसे के काबिल है ही नहीं। शाहजी राजे को अहमदनगर का आश्रय छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आपने अच्छा किया कि हमसे अभय मांगा है। शंकरा जी जरा सोचिए, मावल के इलाके में मावलों की ही सत्ता क्यों ना रहे। हम गढ़ जीतते हैं हारते हैं वो औरों की सेवा के खातिर नहीं, बल्कि यहां और पूरे दक्कन में एक ही सत्ता को मजबूत रख सके। ये काम मुगलों के बस का नहीं है, और अब तो निजाम शाही भी खत्म हो गई है। बीजापुर की आदिल शाही बेरहमी पर उतर आई है, हम उसे सबक सिखाना चाहते हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, आप हमारी मदद क्यों नहीं करते? हम? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? और फिर निलोजी दादा आपकी नीतियों से सहमत नहीं होंगे। इसीलिए हमने सबसे पहले आपके सामने मन खोल के बात की। नीलोजी तो अपने सुख चैन में मस्त हैं, वो तो इसी बात से खुश हैं कि पुरंदर के किलेदार बने रहें और उसका लाभ उठाते रहें। वो दूसरी मिट्टी के बने हुए हैं, उनमें वो तेज नहीं, वो साहस नहीं जो आप में है। जरा विचार कीजिए, आप हमारे राज्य के किलेदार बनिए, पुरंदर का कारोबार मावलों की ओर से चलाइए। मगर हम आपका विश्वास कैसे कर लें? स्वराज्य के नाम पर आपको वचन दे सकते हैं, इस वक्त और क्या कहें। शंकरा जी, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, आप हमें सहयोग दीजिए, हमारे यज्ञ में शामिल होइए। कल सुबह होने से पहले आप पुरंदर गढ़ के किलेदार होंगे। सुनिए, राजा शिवाजी हमसे पनाह मांगता है और अपने आप को राजा कहता है। बहस मत करो, आधी रात का वक्त है, बेकार समय मत गवाओ। ये विश्वासघात है। हम इसे अपने साथ बंदी बनाकर ले जा रहे हैं, आज से आप हमारे किलेदार हैं, हमारे पुरंदर की रक्षा करो। चलो। क्या है पेशवा मोरोपंत? कब से राजकाज के सारे फैसले शिवबा पर छोड़ दिए हमने। हाँ आई साहिबा, पर चंद्रराव मोरे की फरियाद है कि आप उसकी बात सुने, शिवाजी राजे ने भी उन्हें आज्ञा दे दी है। क्या ये तुम्हारा बंदी नहीं है? हाँ है, दूसरी बार बगावत की है। आई साहिबा, मुझे न्याय चाहिए, न्याय। शिवाजी राजे का न्याय जग प्रसिद्ध है। शिवाजी का न्याय? इससे अच्छा तो ठग पिंडारियों का न्याय। जबान संभाल कर बात नहीं, करो। नहीं, इसे कहने दो मोरोपंत। आपके बेटे ने बहादुरी युद्ध कुशलता के बिना पर कौन सी जंग जीती है? बिना चुनौती दिए धावा बोलता है, मेहमान का भेष बनाकर घर में घुसता है और घर वालों की हत्या करता है, छल कपट से छापे मारता है, भाई को भाई के खिलाफ, चाकरों को मालिकों के खिलाफ उकसाता है। अगर शिवाजी राजे इतने बुरे हैं तो उनकी मां से भी क्या न्याय मिल सकता है तुम्हें? मुझे आप पर पूरा भरोसा है आई साहिबा, आपका कुल ऊंचा है, जादव राव के वैभव का क्या कहना, हमारे मोहे वंश की तरह जादव भी ऊंची जाति के मराठा हैं। और शिवाजी? क्षमा करें आई साहिबा, ये तो नए श्रीमंत हैं, हर मौके का फायदा उठाना चाहता है, ऐसे ओछे आदमी पर कौन भरोसा कर सकता है? तुम्हारी कमजोरी ये है कि जबान पर लगाम नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता, मोरे वंश सदा सत्यवादी रहा है। मैं कोकण का राजा हूं, खुद को राजा नहीं ऐलान किया, पर आदिल शाह की मुझे मान्यता है,
मैं क्यों किसी तथा कथित राजा के सामने सर झुकाऊं? हम लोग जावली के सामंत हैं, वहां के सारे किले हमारे हैं, मैं क्यों नहीं बोलूं? हाँ हाँ बोलो, जरूर बोलो, और भी बहुत कुछ सुनना है तुमसे। मसलन तुमने गुंजल मावल की देशमुखी हड़पने की कोशिश क्यों की? बलात्कारी कुलकर्णी रंगो त्रिमल वाकड़े को तुमने पनाह क्यों दी? वीरवाड़ी के पाटिल की तुमने आमदनी क्यों दबा ली? चिखली के रामजी पाटिल और उसके बेटे का वध क्यों किया? बोलो, अब क्यों बोलती बंद हो गई तुम्हारी? जवाब दो। तुम्हें क्यों जवाब दूं? केवल आदिल शाह मुझसे जवाब तलब कर सकता है। इसलिए कि आदिल शाह ने तुम्हें रियाया को लूटने की खुली छूट दे रखी है। आई साहिबा, इसके खिलाफ अनेक शिकायतें मिली तो मैंने इसे लिखकर चेतावनी भेजी। इसने बदतमीजी का जवाब दिया और लड़ाई के लिए चुनौती दी। हमने जावली पर धावा बोला तो यह रायारे किले में जाकर छुप गया। लड़ाई में इसका भाई हनुमंत राव मारा गया, फिर हमने रायारी पर भी कब्जा जमा लिया। विश्वासघात से भाई को भी धोखे से मारा गया। खामोश, तुम्हें अपनी बात कहने का पूरा मौका मिल चुका है। आई साहिबा, पराजय के बाद भी हमने इसके साथ अच्छा सलूक किया। इसके स्वराज्य में शामिल होने पर जावली लौटाने को भी तैयार थे। ऊपर से तो इसने स्वीकार किया, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे विरुद्ध साजिश की, हमारी शिकायत की आदिल शाह के दरबार में। मरुपंथ, आई साहिबा को खत पढ़ के सुनाओ। यह खत जाली है, आपके बेटे ने डरा धमकाकर हमारे कारकुन से लिखवाया है। मगर इस पर तो तुम्हारी मुहर है। मुहर चुराने में कितना समय लगता है? जो आदमी धोखे से जावली ले सकता है उसके लिए मुहर क्या? आई साहिबा, इसे और इसके बेटों को देशद्रोही के इल्जाम में बेड़ी बंद कर रखा है, ये गद्दार हैं। न्याय जो कहता है वही करो। ऐसे जुर्म की एक ही सजा है, देहांत की सजा। मोरोबंद, इसका और इसके बेटों का सर कलम कर दिया जाए, यह हमारा हुक्म है। आज दर्शन करने का मन नहीं करता। राजे, यहीं दीपमाला के पास बैठ जाएं। आप ही के कहने से हम यहां आए थे, आप नहीं चाहती तो दर्शन किए बिना ही चले जाएंगे। क्या देख रही हैं आप? मंदिर का शिखर। कहते हैं मंदिर के शिखर के दर्शन भी पुण्य दिलाते हैं। परसों चंद्रराव मोरे की फरियाद हमने सुनी थी। मोरे खानदानी मराठा था, फिर भी आपने उसे देहांत का दंड दिया। अगर आप स्वजनों के साथ इसी तरह पेश आए तो लोग क्या कहेंगे? आई साहिबा, हमें नया बीज बोना है और बीज बोने से पहले खरपात उखाड़ कर फेंकने होंगे। ये लोग भ्रष्ट हैं, इन्हें मतलबी विलासी राजनीति की लत पड़ चुकी है। ऐसे लोगों को साथ लेकर हम राज्य की स्थापना कैसे कर पाएंगे? उल्टे यही लोग हमें अपने साथ कीचड़ में घसीट लेंगे। राजे, आपसे आने हो गए हो, इस बात का हमें दुख भी है और खुशी भी। चलो भवानी माता के दर्शन करें। तुम्हारा है, तुम ही हो सो हमारी।
वसी मुगल सल्तनत में चारों तरफ पुनरुत्थान का जज्बा फैल रहा था, जो धर्म और कौमियत का मिश्रण था। उस जमाने की कौमियत आज की धर्म निरपेक्ष कौमियत से यकीनन मुख्तलिफ थी। उस पर सामंतवादी, मुकामी और मजहबी जज्बात का रंग चढ़ा था। शिवाजी भी एक खास मजहबी कौमी जागृति के नुमाइंदे थे। आर्थिक बदहाली और जनता की तबाही ने जमीन तैयार की थी, जिसे सींचा और पाला पोसा तुकाराम और रामदास जैसे संत कवियों ने, और जिसकी फसल तैयार की शिवाजी ने। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं जामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान। जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर, फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।